हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ कैसे आप लोग लेटेस्ट मूवीज़ को डाउनलोड कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। पांच ऐसे साइट्स के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ से आप मूवीज़ को डाउनलोड कर पाओगे, वो भी बिल्कुल फ्री में, एक पैसा भी आपको नहीं देना पड़ेगा। बहुत ही जेन्युइन साइट्स है, आप यहाँ से बहुत ही अच्छी मूवीज़ और अच्छी क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हो। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और भी लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मैं बताने वाला हूँ एक वेबसाइट्स के बारे में जिसका नाम है HD Movie 07। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे हॉलीवुड, बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवी भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा और वेब सीरीज़ भी इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं साउथ मूवीज़ में क्या क्या ऑप्शन है, तो इसमें आप देख सकते हैं। इसमें आपको 1080 पिक्सल में भी अवेलेबल है और 720 और 480 में भी अवेलेबल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बॉलीवुड में अगर आप चेक करेंगे तो इसमें भी सारे वही सेम फीचर्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। और साउथ इंडियन में देखेंगे तो हिंदी ड्यूड मूवी भी आप इसमें देख सकते हैं, हिंदी में भी आपको वो मूवी मिल जाएगी। ठीक है, और वेब सीरीज़ में आप चेक करें तो नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और MX प्लेयर पर भी आपका जो वेब सीरीज़ चलता है वो भी यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मूवी को मैंने ओपन कर लिया है, जैसे यहाँ पे लूसीफर देख सकते हैं, एक मूवी मैंने ओपन किया था, इसको डाउनलोड कर इसके आप मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ हैं, यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है, 300 MB मूवीज़ भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी एक मूवी को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मैं ब्लैक विंडो क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस सामने खुल के आ जाएगा, उसके बाद आप इसे नीचे स्लाइड कीजिएगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है। विथ कितना MB आपका लगेगा वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके देखिएगा, नीचे स्क्रॉल करके जाइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे मूवीज़ के डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। स्टोरी लाइन भी आपको एक दो देखने को मिल जाएगा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मूवी की कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मूवीज़ के अंदर कैसा सीन वगैरह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप नीचे जाइएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड कर ली का ऑप्शन यहाँ पे आपको शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 720 पिक्सल और 480 पिक्सल भी यहाँ पे अवेलेबल है और ऊपर में 1080 पिक्सल भी अवेलेबल है। तो आप यहाँ से पहले मूवी की ट्रेलर भी आप यहाँ से देख सकते हैं, उसके बाद आप मूवी को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग दूसरी वेबसाइट के बारे में बात करते हैं, तो वो वेबसाइट का नाम है मूवीज़ मंच। ठीक है, मूवीज़ मंच के बारे में बात करें तो आप इस बात करें तो इस वेबसाइट में भी आपको अच्छी अच्छी मूवीज़ भी मिल जाएंगे, जैसे कि लेटेस्ट जो मूवीज़ आई हैं वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी और 18 प्लस और हॉरर मूवीज़ भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ पे मूवीज़ है, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई एक मूवी को चूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक स्पाइडरमैन की मूवी पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस देखने को मिल जा रहे हैं, कौन कौन से साइज़ में आपको यहाँ पे ये मूवी अवेलेबल है। तो ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर में ये आपको शो कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आप नीचे इसको स्लाइड करके जाएंगे तो कुछ मूवीज़ की इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी और मूवी की थोड़ा सा डिटेल्स, स्टोरी वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पे कुछ मूवीज़ का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या स्क्रीनशॉट में आपको दिखाया जा रहा है, क्या क्या अंदर में सीन है, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे MB में आपको यहाँ पे 3 लिंक्स आपको देखने को मिल जा रहा है। आप यहाँ से कोई भी, अगर आपके MB के हिसाब से, अगर आपका नेट के हिसाब से जो भी आपके पास MB है उससे आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 400 MB में भी है, 1.3 GB में भी है। ठीक है, तो ये आपके पिक्सल पे डिपेंड करता है कि आप कितना हाई क्वालिटी को डाउनलोड करना चाहते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से क्लिक करोगे और आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपका मूवी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम बात करते हैं तीसरे वेबसाइट के बारे में जिसका नाम है CatMovies HD। ठीक है, आप इसको सर्च करोगे CatMovies HD तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने में आ जाएगा। उसके बाद आप यहां से कोई भी मूवीज़ को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मैं कोई एक मूवीज़ के बारे में आप लोगों को बताता हूं, जैसे कि आपको कोई एनाकोंडा हो गया वो मूवी डाउनलोड करनी हो, या फिर कोई भी लूका, बहुत सारी इसमें मूवीज़ आपको देखने को मिल रही है। तो मैं किसी एक भी मूवीज़ को डाउनलोड करके बताता हूँ, मतलब कि आपको दिखाता हूँ कैसे आप डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी एक मूवी को सेलेक्ट कर लो, जैसे कि मैं इस मूवीज़ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस मूवी को सेलेक्ट करने के बाद आपके कुछ सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करके जाइएगा तो वही मूवीज़ के कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप वॉच ऑनलाइन, मतलब कि आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको तीनों ऑप्शन दे रहा है, आपको जो सही लगता है, जो पिक्सल में आपको चाहिए वहाँ यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो ऑनलाइन भी देख सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसी एक दूसरी वेबसाइट के बारे में जो कि एनिमेटेड वेबसाइट है, जिसको आप कोई एनिमेटेड मूवीज़ अगर देखना पसंद करते हैं तो यहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ एनिमेटेड ही मूवीज़ यहाँ से आपको डाउनलोड होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वेबसाइट में आपको मैं चल कर दिखाता हूँ कि इसमें आप कैसे यूज़ करेंगे। तो इसका नाम मूवीज़ है 9 एनिमेज। ठीक है, 9 एनिमेज वेबसाइट में आप जाएंगे
सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने खुल के आ जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी मूवीज़ को सर्च कर सकते हैं, सर्च बार सब में है, ऊपर में ही सर्च बार आपको सब सारे वेबसाइट्स में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि इसमें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक्शन, एडवेंचर, एनिमेशन, फैमिली, कॉमेडी, हॉरर, तो आप इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, नीचे भी बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें जो जिस तरह का आपको पसंद है उस तरह का आप यहाँ से देख सकते हो। मूवीज़ में आप देख सकते हो इंग्लिश ड्यूब्ड मूवीज़ है, हिंदी ड्यूब्ड है, ठीक है, टीवी सीरीज़ है, यहाँ पे हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो आप यहाँ से लैंग्वेज भी देख सकते हो। इसमें दो तीन तरह के लैंग्वेज हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश है, ठीक है, डुअल ऑडियो है, और क्वालिटी में आपको बहुत सारी क्वालिटीज यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों को एक मूवी डाउनलोड करके दिखाऊंगा, तो जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं किसी एक मूवी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं ये मॉन्स्टर हाउस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये कैसा मूवीज़ है मुझे भी नहीं पता, मैं स्क्रीनशॉट देखने के बाद ही कुछ बता सकता हूँ। ठीक है, तो इसे मैंने ओपन कर लिया, मैंने नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे कुछ आपको मूवीज़ के नेम्स वगैरह और साइज़ वगैरह भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, क्वालिटी भी आपको मिल जाएगी, और लैंग्वेज कौन कौन सी लैंग्वेज है वो भी आप यहाँ पे अवेलेबल है, देख सकते हो। ठीक है, फिर आपको मूवीज़ के कुछ स्क्रीनशॉट्स को देखना होगा, स्क्रीनशॉट देखने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हो दोनों में यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, 480 पिक्सल और 720 पिक्सल में आपको यहाँ पे अवेलेबल है। आप डाउनलोड लिंक पे क्लिक करोगे, आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो सीधा आपका मूवी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, सब पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको सबसे बेस्ट वेबसाइट्स के बारे में बताऊँ, जहाँ से बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में कम MB में भी आपको वहाँ पर मूवीज़ मिल जाती है, और साइट्स के अलावा। ठीक है, ये नंबर वन वेबसाइट है जहाँ से बहुत सारे लोग डाउनलोड करते हैं, मैं इसकी रेटिंग चेक किया हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ। तो सबसे अगर इस वेबसाइट की बात करें तो इस वेबसाइट का नाम है themoviesflix.com। ठीक है, इसको ओपन कर लेंगे तो ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने खुल करके आ जाएगा, तो इसमें बहुत सारी मूवीज़ का ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे मूवीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे लेटेस्ट रिलीज्ड मूवी जो अभी रिलीज हुई है मूवी वो भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, हॉलीवुड मूवीज़, इंग्लिश मूवी, एडल्ट मूवीज डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो एक और ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो, इसमें आपको किस तरह का मूवी देखना चाहते हो, एक्शन, एडवेंचर, एनिमेटेड, कॉमेडी, हॉरर, आप जैसा चाहते हो यहाँ से निकाल सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस है। नीचे आप स्क्रॉल करके देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कौन कौन सी ईयर में कि आप कौन सी ईयर की मूवीज़ यहाँ पे सिर्फ देखना चाहते हो, तो आपको इसे एक ईयर सेलेक्ट कर लो, आप उसी ईयर की सिर्फ आपको यहाँ पे मूवीज़ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप खुद समझ जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगा, कितनी कौन सी क्वालिटी में आपको चाहिए यहाँ पे क्वालिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आप टीवी शोज भी देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारा ड्रामा, कॉमेडी है, रोमांटिक है। ठीक है, वेब सीरीज भी आप यहाँ से देख सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, नेटफ्लिक्स, जो भी आप चाहेंगे वो यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, बॉलीवुड में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो बॉलीवुड की सारी मूवीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे सारे मूवीज़ हैं, तो आप कोई भी एक मूवीज़ को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक मूवी को सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड लोकी सीज़न 1, इसका सीज़न 1 आया है, तो ये काफ़ी नई मूवी है, आप इसे डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो, वो भी फ्री में। आप यहाँ नीचे जाओगे तो कुछ मूवी की रेटिंग्स वगैरह देखने को मिलेगा, यहाँ पे मूवीज़ के बारे में कुछ बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मूवीज़ के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरे कैटेगरी भी आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आप नीचे आओगे तो कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे पूरे ऑप्शंस यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आप इतना भी जान ही सकते हो कि आपको यहाँ से कैसे डाउनलोड करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड है, डाउनलोड पर आप क्लिक करोगे तो सिंपली आपको एक ऑप्शन देगा और आप वहाँ से ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप क्लिक करके चेक कर लेना किस पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, एक ही डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।